कहता है कि प्यार कर या किसी लड़की से आंखें चार कर। मामा गुटका कहता है कि प्यार कर जा किसी लड़की से आंखें चार कर। अरे प्रणाम प्रणाम छोटे मियाँ बड़े मियाँ बोलिए। अरे लाला जी पान सुपारी चबाई के जरा दो पान लगाइए दवाई के। अरे मियाँ आप दी दिया तुम्हारा पान बना के। अरे मिर्च मिर्च मिर्ची नजर तिरछी। अरे मियाँ कुछ लौंग इलायची दवाई दे क्या। ये लो मियाँ आपका पान। लाला जी धन्यवाद। लाला जी शुक्रिया शुक्रिया शुक्रिया। अरे मियाँ ठहरो मेरे पैसे तो देते जाओ। अरे मियाँ रुको कहाँ चल दिए मेरे पैसे। अरे आखिर कब तक उधारी का खाता चलाओगे, जरा अपने पान का बिल चुकाओगे। अरे माफ कीजिए लाला जी हम तो भूल ही गए थे पैसा देना। अरे छोटे भैया लाला जी का पैसा देना है, जरा निकालना तो 10 रुपया। अरे हाँ जेब में हाथ डाल के अब भी देते 10 रुपये निकाल कर। चलो जी लाला जी लाओ। ठीक है लाला जी पढ़ते हैं। अरे भैया रुको जरा, ये तो तुमने अभी का पैसा चुकाया है, पिछला तो 1425 बकाया है। बस 1425 लाला जी। देखिए लाला जी आज का दिन तो छोड़िए आप, शाम को आपका पूरा पैसा मिल जाएगा कल शाम को। अरे मियाँ आज तो कुछ नहीं सुनेंगे हम। अरे मियाँ चाहे पैसे आप दे चाहे इसका बाप दे, पहले आप सारे पैसे का हिसाब दे। अरे लाला जी आपका काम। अरे नहीं नहीं मर जाएंगे हम। अरे लाला जी आप टेंशन ले लीजिए आपको कल तक पूरा पैसा मिल जाएंगे। या तो तुम कल शाम तक मेरा कर्जा चुकाओगे या फिर तुम सीधे जेल जाओगे। अरे नहीं लाला जी आप निश्चिंत रहिए कल शाम तक आपका पूरा पैसा जाएगा। कौन छोटे हाँ बड़ा लाला जी आपका पैसा। ठीक है ना तो ठीक है लाला जी पढ़ते हैं पढ़ना पढ़ना कल याद है ना। हाँ लाला जी हाँ कल चाहिए मेरा लाला जी। अरे छोटे बड़े छोटे आज कोई मुर्गा समझ नहीं आ रहा है। समझ में तो हमको भी नहीं आ रही है, लगता है इलाका बदलना पड़ेगा तो चले बड़े चलो। अरे बड़े छोटे लगता है अपनी विनती सुन ली किशन के नहीं आने। देखिए ना मुर्गा आ रहा है। छोटे ये मुर्गा नहीं है बकरा है बकरा, और साथ में एक तो खूबसूरत बकरिया भी। चलो भाई साहब को राम राम। बकरी को प्रणाम भाई। बकरी बहुत सुंदर बहुत खूबसूरत है। लेकिन महाशय आपका शुभ नाम। अरे शुभ नाम का है हमारा नाम निहाल रहंग डाल और पंकज रहंग डाल है भाई का। लेकिन महाशय मैं तो आप दोनों को कभी नहीं जाना। बहुत जल्दी जान जाओगे, जब जान जाओगे तो फिर कभी भूल नहीं पाओगे। लेकिन मैं कुछ समझा नहीं। इनका कहने का मतलब ये है दूर दूर तक चर्चे हमारे, मतलब अगर किसी से हमारी कभी मुलाकात हो जाती है तो भूलता नहीं है वो व्यक्ति। जी हाँ अच्छे अच्छों की मार चुकी है हमने। हैं? अच्छे अच्छों की मारी है? क्या मतलब है तुम्हारा? अरे भाई साहब इनका कहने का मतलब ये है कि अच्छे अच्छे लोग हम पर मरते हैं जान देते हैं जान। लोगों से संबंधी ऐसे हमारे। हाँ भाई साहब वो सब तो ठीक है मगर इन सब से मुझे क्या लेना देना। वो हटाओ भाई साहब, ये आप बकरी को कहाँ लेके जा रहे हो? अरे कहीं नहीं भाई साहब, पास के जंगल तक ले जा रहा था बकरी चराने। वैसे भाई साहब बकरी बहुत खूबसूरत पैदा की है आपने। ये क्या बोल रहे हो आप, मैं थोड़ी पैदा किया है। कहने का मतलब ये है कि आपने बकरी बहुत अच्छी पाल रखी है, पर भाई साहब मैं को ये बकरी देखने में थोड़ी बीमार समझ आ रही है। बीमार? Oh, no. जी हाँ बहुत ज्यादा बीमार। कहाँ से? बीमार है बीमार भाई साहब। ये अपने दैनिक जीवन में बहुत बड़े चिकित्सा सलाहकार रह चुके हैं।
ना जाने कितनी भेड़ बकरियों को ये उंगली डाल के ठीक कर चुके हैं। उंगली डाल के ठीक मतलब क्या है आपका? अरे भाई साहब, इनका कहने का मतलब ये है चुटकी में ठीक किए हम। अरे हाँ भाई साहब, आपको छोटे जैसा उंगलियों से ठीक करने का टैलेंट आपको किसी भी डॉक्टर में देखने को नहीं मिलेगा। ओ, ऐसा है? अरे बड़े रहने दीजिए, इन्हें लगता अपने पे विश्वास नहीं है। अरे नहीं नहीं भाई साहब, आप तो देखिए मेरी बकरी को क्या है, चेक तो करिए थोड़ा क्या हुआ इसको। अगर आप डॉक्टर हैं तो देखिए इसको। अरे अरे हाँ भाई साहब, देख लेते क्यों बड़े देख लेते अब भी देख लेते। अरे छोटे हाँ बड़े, ये नहीं 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 रेंडो रेंडो, ये उंगली वाला आज नहीं, दूसरा वाला। दूसरा वाला दिखाएं? दूसरा वाला दिखाओ। ठीक है ठीक है, दूसरा वाला ट्रीटमेंट करेंगे। अरे भाई साहब, आपको जो करना है आप करो, उंगली करो, सीधा करो, टेढ़ा करो, मुझे कोई, मगर बस मेरी बकरी की आप बीमारी बता दीजिए मुझे। आप बिल्कुल भी फिक्र ना करिए। बिल्कुल भी नहीं, आपको ये नाटिल ऐसा टैलेंट दिखाएगा दुनिया का कोई भी डॉक्टर समझ नहीं पाएगा। बिल्कुल समझ नहीं पाएगा। देखिए आप। अरे बताइए तो भाई साहब, ऐसा कौन सा टैलेंट है आपके पास जिसे मैं देखने के लिए अंदर से आग मूत रहा हूँ जी, आग। मतलब ये भाई साहब, आपको ये बंदा एकदम जिंदा टैलेंट दिखाएगा, बकरी का गोबर सूंघकर बीमारी का पता लगाएगा। क्या बात कर रहे हो भाई साहब, क्या बात कर रहे हो, मतलब बकरी का गोबर सूंघ के बीमारी का पता, ये कैसे करते हैं जल्दी बताइए मेरे को आप। अरे मियां अब भी बताते हम चेक करके। ओह नो। अरे मियां ये तो 2.5 इंची बुखार है इसे। क्या बात कर रहे हो, बुखार वो भी इंच में? हाँ मियां 2.5 इंच बुखार है तुम्हारी भाई। जी मियां, तुम्हारी बकरी तो बॉडी बीमार है मियां, 2.5 इंच बोले तो बहुत होते हैं मियां, बहुत कट रहे हैं इसकी जान। अरे बाप रे, क्या बात कर रहे हो, 2.5 इंची बुखार? सब हम आपको क्या बोले थे, एकदम जिंदा टैलेंट है। जिंदा टैलेंट है कि नहीं? हाँ वो तो है। नया जमाने का डॉक्टरी पढ़ाई किया है जी, खाली 4.5 लाख रुपया तो खाली इधर उधर ऐसी तैसी करवाई कर दिया है। ओ अच्छा, मियाँ फिर चेक कर लेते। अरे मियाँ, इसको तो लपलपा के सर दिया है मियाँ। अरे मियाँ, इसे तो कोरोना है जी। ओह नो। हाँ मियाँ, इसे कोरोना है। मियाँ मर जाओगे मियाँ, एक आध दिन तुम पैसे में 2.5 लीटर झुका के लग रहा है हमको। अरे बाप रे, क्या बात कर रहे हो, ना जादू ना टोना, मेरी बकरी को निकला सीधा करो ना। हे भगवान, मतलब कि हम झूठ बोल रहे हैं, झूठ बोल रहे हैं हम। अरे भाई साहब, इतनी शक्की निगाह से तो कोई अपनी गर्लफ्रेंड को अपनी देखे जितना कि आप देख रहे हैं। तो छोटे भाई साहब, ना जाने आपने इस कोरोना पॉजिटिव जो बकरी को कितने दिनों तक घर में पाल रखा है, ना जाने मोहल्ले के कितने बकरों को इसने कोरोना पॉजिटिव कर दी होगी मियां। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। अरे नहीं नहीं भाई साहब, मुझे क्या पता इसको कोरोना क्या, अब मेरी बकरी को कोरोना हुआ तो इसमें मेरी गलती क्या, मैं कोई डॉक्टर हूँ जो देख के बताऊंगा? गलती तो आपकी है मियां, जिस पॉजिटिव बकरी को अपने घर में रखे हो आप, और पता है इसके लिए तो आपको सजा होगी जी, सजा। क्यों मियां? भाई साहब जरूर आपको सजा होगी। कैसे नहीं सजा होगी, पूरी सजा होगी। इतना जो गुनाह किए हो आप, कोरोना पॉजिटिव बकरी को घर में पाल रखे हो, पुलिस तो आके रहेगी मियां आपके घर, डंडे मारेगी जी। अरे नहीं भाई साहब, सजा वजह नहीं, मैं तो कहता हूँ बकरी को आप अपने साथ ले जाओ और आपको जो लगता है वो करो, बस मुझे सजा नहीं होनी चाहिए, बस इतना कर लीजिए। हाँ ठीक है मियां, जब आप इतना बोल ही रहे हैं तो हम आपको बचा ही लेंगे भैया। बहुत बहुत धन्यवाद भाई साहब, जो सही समय पे आपने आके मुझे बचा लिया। आप निश्चिंत होकर अपने घर जाइए, अब ये बकरी और इस मामले को हमारे ऊपर छोड़ दीजिए। बहुत बहुत शुक्रिया। लेकिन एक बात भाई साहब, आपसे एक निवेदन है मेरा, आप लोग पूरे गाँव भर में किसी को ये मत बताना की ये बकरी आपने मेरे पास से ली, ठीक है? निश्चिंत रहिए भाई साहब, बिल्कुल नहीं बताएंगे। और अगर पता चल गया तो साले ये पूरे गांव वाले मेरे घर से 1-1 किलोमीटर दूर से नाक के जाएंगे फिर, नहीं तो। ठीक है भाई साहब, हम चलते हैं। ठीक है चलो मियां, चलो चलो चलो। अच्छा हुआ
जो आज वो कोरोना पॉजिटिव बकरी को उनको दे दे, मैंने भी क्या दिमाग लगाया यार, तो बच गया। जय हो भगवान की। दाई का हो गई, कोटना मार ले के वो ला डाल देना वो दाई, कोटना मार ले के वो ला डाल देना वो दाई। छोटे मजा बहुत आया रहा, हजारों की बकरियां अंदर छोड़ के भाग गया साला बंदर। अरे एकदम ठीक बड़े, ये टेलर तो हमार बहुत पुराना है, बहुत पुराना है। अब ये बताओ ये बकरियों को कहाँ ठिकान लगाना ठिकाने तो पहले बैठ जाए, पहले बैठ जाए फिर ठिकाना लगाने का सोच लेंगे। बकरिया तुम भी बैठ जाओ, आराम झरिया उसकी सनक गई चुनरी भी, उसकी सरक गई उससे नजर, मेरी मिली तो उसकी नजर, शर्मा के झुक गई झांझरिया। चीज बड़ी है मस्त मस्त, तू चीज बड़ी है मस्त। अरे छोटे हाँ बड़े, ऊ देखो मिल गया ठिकाना, बड़ी का पकड़ा इस रहे बनाना। आने लो आने छोटे, हाँ बड़े दिखाओ अपना टैलेंट, शुरू हो जाओ। लेट्स गो। ठीक है बड़ा। ओह नो, क्या लाखों की बकरी पाल रखी थी मैंने। छोटे काल तुझे बीमारी ना होती। अरे बड़ा ये तो भगवान की कृपा, सोचा वो बकरी। तू फिकर ना कर, भले इस लाखों की बकरी को बेचनी पड़ जाए, लेकिन तुझे कुछ ना होने दूंगा। मेरे जिगर का छल्ला है तू छल्ला। उधर हमारे नेता चैन की नींद सो रहे हैं और इधर दो मासूम बकरी पकड़ के रो रहे हैं। चलो देखते हैं क्या हुआ भाई साहब। भाई साहब पहले तो चुप बताइए, अब बताइए हुआ क्या है। क्या बताएं भाई साहब, मेरे इस भाई की पैर की एक किडनी खराब हो गई। पैर की किडनी? किडनी पैर में थोड़ी ना होती है, किडनी तो पेट में होती है भाई साहब। भाई साहब आप समझ गए ना। हाँ बात कर रहा हूँ, पहली बार किडनी खराब हुई है मेरी भाई साहब। अच्छा तो पहली बार किडनी खराब हुई, पता नहीं थी किडनी पैर में होती है पेट में। नहीं पेट में होती है, किडनी पेट में होती है। भाई साहब इस दुनिया में किसको दुख दर्द नहीं है, मुझे भी दुख दर्द है भाई साहब। हमारे इस दुख दर्द से तुम्हारा ये दुख दर्द आधा है, लेकिन एक बात, हाँ इस बकरी में टैलेंट बहुत ज्यादा है। बकरी में टैलेंट बहुत ज्यादा भाई साहब? भाई साहब ऐसा कौन सा टैलेंट है जी बकरी में, मुझे तो कुछ समझ ना आ रही है। जिंदा टैलेंट है जी, जिंदा। oh, no. एकदम बड़ा बड़ बोलती है भाई साहब। क्या बता रहा? हाँ बात करती भाई साहब। वो ऐसा कौन सा जिंदा टैलेंट है जी, इसमें जरा हमको भी दिखाओ इसका टैलेंट, हम भी देखेंगे इसका टैलेंट। आया तुमको टैलेंट दिखाते हैं हमारे वाला का। कौन सा टैलेंट है इसमें? बेटा भैया को बताओ, अपने छोटे भाई के इलाज का खर्चा कौन देगा? बोलो बोलो। देखिए भाई साहब मैं बोली ना, बोली 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 भाई साहब, बोली जिंदा, बोली जिंदा, बोली। एक बार और देखो भाई साहब, एक बार देखो टैलेंट दिखा। बेटा ये बताओ अपने छोटे भैया की शादी कौन से महीने में है? बताओ बताओ बोलो। देखिए मई बोली, मई बोली, मई में शादी, मई में शादी, बोली बोली। बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया भाई साहब, हमारे मई में शादी, मई बोली ना। हाँ बहुत मजा आ गया, बहुत प्यारी बकरी जी, गजब का टैलेंट, बहुत प्यारी बकरी भाई साहब। एक बार और दिखा दो इसका टैलेंट, बस एक बार भाई साहब, एक बार। मतलब भाई साहब यकीन नहीं, में कोई चीज नहीं है आप। क्यों क्या हो गया, क्या हो गया, क्यों बोले? कहेंगे छोटे हमारी बकरी भाई साहब तभी टैलेंट दिखाएगी जब आप उसको खरीदने के लिए राजी हो जाएंगे। बराबर, मैं लूंगा ना भाई साहब, लूंगा मैं। बस एक टैलेंट और दिखा दो इसका, मैं लेने तैयार हूँ बकरी, बस एक 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 टैलेंट और दिखा दो भाई साहब, एक एक बस एक बार, एक बार टैलेंट दिखा देते हैं। ठीक है खरीद लूंगा, एक टैलेंट बस और दिखा दो।
एक और टैलेंट दिखा देते हैं जी। भाई साहब जी, हमारी बकरी अब आखिरी बार टैलेंट दिखाएगी। हाँ। अगर से इस बार आपको अगर समझ में नहीं आया, हमारी बकरी अभी इस पुलिया से कूद के जान दे देगी। नहीं नहीं नहीं, ठीक है, आखिरी बार, लास्ट बार। आया बता बेटा, अब ये बताओ कि आप दोनों में से बकरी कौन है, बताओ बताओ। देखिए मैं बोलू ना, बोली बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया बकरी है। मैं बोली ये बकरी है, बोली जा गया, मजा आ गया, बहुत प्यारी बकरी, बोरी बोरी मैं बोली करके, बहुत प्यारी बकरी, ऐसा ही बोली। अब पैसे निकालिए भाई साहब, पैसे निकालिए, पैसे पैसे जी, पैसे पैसे जी, पैसे लो ये, पैसे दीजिए, लो बकरी दे दी भाई साहब, ये लो बकरी दे दी, लो ले आओ। मजा आ जाएगा, बहुत कमाल की बकरी, घर में सब खुश हो जाएंगे, दो बच्चे भी साथ में, चल चल चल, घर में तो आज खुश हो जाएंगे लोग, चल चल। बड़ा छोटे मजा आया, हो गया ना अपने पास पैसा ही पैसा। अरे छोटे टैलेंट अपना ऐसा कुटिया बनाओ, कमाओ पैसा।